2020 की नीलामी में कई सारे प्लेयर्स करोड़ों रुपयों में बिके हैं और इनकी प्राइस ने हम सभी को हैरान भी किया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जो नीलामी में तो करोड़ों रुपयों में बिक गए हैं, लेकिन इस साल के IPL में इन्हें अपनी रेस्पेक्टिव टीम की तरफ से प्लेइंग 11 तक में जगह नहीं मिलने वाली। और इसके कारण भी बताएंगे कि आखिर क्यों इन करोड़पति खिलाड़ियों को टीमें अपनी प्लेइंग 11 में नहीं खिलाने वाली है। गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी MCB ग्रेट फैमिली और IPL फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे सभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहले खिलाड़ी जो कि करोड़पति बने हैं लेकिन इस साल प्लेइंग 11 में अपनी टीम में नहीं खेल पाएंगे, वो है नैथन कुल्टर-नाइल। कुल्टर-नाइल को 8 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस की टीम ने खरीदा है। लेकिन अगर हम मुंबई इंडियंस के स्क्वाड को उठाकर देखेंगे ना, तो वहां पर प्लेइंग 11 में कुल्टर-नाइल की स्टार्टिंगली जगह ही नहीं बन रही है। इनके 4 विदेशी खिलाड़ी पहले से ही कन्फर्म्ड है। अगर कोई विदेशी खिलाड़ी आगे पीछे फ्लॉप होता है तो क्रिस लिन वहां पर बैठे हुए हैं, ट्रेंट बोल्ट भी एक विदेशी गेंदबाज है जो कि एक बैकअप का रोल निभाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा चौथा ऑप्शन बनकर नैथन कुल्टर-नाइल निकल कर आ रहे हैं। मतलब अगर कोई फ्लॉप होता भी है ना, तो भी ये बेंच पर ही बैठे रहेंगे क्योंकि इनके ऊपर भी 3-4 प्लेयर्स बैठे हैं जो कि प्लेइंग 11 में जगह बना लेंगे। तो ऑन एंड ऑन नैथन कुल्टर-नाइल 8 करोड़ रुपए में जरूर बिके हैं, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा था कि एक बैकअप तेज गेंदबाज के रूप में बिके हैं। लसित मलिंगा, ट्रेंट बोल्ट के बाद ही इन्हें कहीं जगह मिलेगी, मतलब कि इनके चांसेस ना के बराबर ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1-2 मैचेस या 3 मैचेस IPL में खेल पाएंगे। दूसरे खिलाड़ी जो कि करोड़ों रुपयों में बिके हैं पर इन्हें भी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी, वो है सैम कुर्रन। सैम कुर्रन को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा। ये बहुत बड़ी अमाउंट थी दोस्तों सैम कुर्रन के लिए, क्योंकि पिछले साल ये IPL में फ्लॉप हुए थे, लेकिन धोनी ने इन पर विश्वास जताया। हालांकि चेन्नई की टीम में इनके लिए 4 फॉरेन प्लेयर रूल के कारण अभी जगह नहीं है। चेन्नई के 4 विदेशी खिलाड़ी पहले से ही कन्फर्म्ड है, शेन वॉटसन है, ड्वेन ब्रावो वहां पर है, फाफ डुप्लेसिस है, इमरान ताहिर है, तेज गेंदबाजी विकल्प के रूप में लुंगी एनगीडी भी वहां पर है। तो यहां पर दोस्तों ये भी कह लेना कि दूसरा तीसरा विकल्प बनकर ही सैम कुर्रन उभर कर आएंगे। हालांकि अगर ड्वेन ब्रावो फ्लॉप होते हैं देन सैम कुर्रन के चांसेस बढ़ेंगे। ये 5.5 करोड़ में जरूर बिके हैं, लेकिन स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में चेन्नई इन्हें नहीं खिला सकती बिकॉज ऑफ फॉरेन प्लेयर रूल। तीसरे खिलाड़ी जिन्हें भी करोड़ों में खरीदा गया है लेकिन ये भी नहीं खेल पाएंगे प्लेइंग 11 में, वो है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को KKR की टीम ने 4 करोड़ रुपए में खरीदा है। पिछले साल भी पंजाब ने इन्हें 8 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस साल इनकी प्राइस जरूर आधी हो गई है, स्थिति तस की वैसी है, मतलब इन्हें भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाएगी। हालांकि भारतीय प्लेयर है लेकिन KKR की अगर हम स्क्वाड उठाकर देखेंगे, ये एक ऑलराउंडर है चक्रवर्ती। KKR के पास पहले से ही एंड्रे रसल है, सुनील नरीन है। अगर ये दोनों फ्लॉप हो भी जाते हैं देन विदेशी विकल्प के रूप में देखा जाएगा। भारतीय विकल्प के रूप में इनकी बल्लेबाजी में डेप्थ नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में इतनी डेप्थ है कि इन्हें चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजी ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है प्लेइंग 11 में, क्योंकि KKR ने इस बार अपनी गेंदबाजी में बहुत ज्यादा डेप्थ बना ली है। तो इसीलिए आ जरूर गए चक्रवर्ती 4 करोड़ रुपए में, पर बहुत कम चांस है स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में तो खेल ही नहीं पाएंगे। चौथे खिलाड़ी जो कि करोड़ों में बिके हैं लेकिन इस साल नहीं खेल पाएंगे, वह है क्रिस जॉर्डन। क्रिस जॉर्डन को किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा है, लेकिन पंजाब की स्क्वाड में इनके लिए अभी जगह नहीं दिख रही है, क्योंकि पंजाब के बल्लेबाज तो कन्फर्म्ड है ही, ग्लेन मैक्सवेल भी वहां पर है, क्रिस गेल भी वहां पर है, शेल्डन कॉट्रियल की भी जगह बनने ही वाली है क्योंकि वो सबसे महंगे बिके हैं। अब क्वाट्रियल अगर फ्लॉप होते हैं तो वहां पर जिमी नीशम की जगह बनेगी, और अगर नीशम फ्लॉप होते हैं देन क्रिस जॉर्डन की जगह बनेगी। तो यहां पर भी ये तीसरा बैकअप है, तीसरा विकल्प है, और अगर आप तीसरा विकल्प है पंजाब जैसी स्क्वाड में तो चांसेस कम ही है। 3 करोड़ में बिके जरूर है पर बहुत ज्यादा खेले तो 4 मैचेस खेल पाएंगे, उसके भी बहुत कम चांसेस है जॉर्डन के लिए। पांचवे खिलाड़ी जो करोड़ों में बिके हैं पर इन्हें भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने वाली, बहुत कम चांस है, वो है एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 2.4 करोड़ रुपए में खरीदा है। डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट था ये एलेक्स कैरी के लिए, क्योंकि दूसरी लीग ये दुनिया में जहां खेलते हैं वहां पर ये मैक्सिममली 50 या 40 लाख में बिकते हैं। लेकिन कैरी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो प्लेइंग 11 की ही है भाई। दिल्ली की टीम की प्लेइंग 11 पहले से ही कॉम्पैक्ट है, एक विदेशी विकेट कीपर के रूप में इनकी जगह बन नहीं सकती क्योंकि दिल्ली के पास पहले से ही भारतीय विकेट कीपर्स बहुत ज्यादा है। दिल्ली के पास पहले से ही पृथ्वी शॉ है, ऋषभ पंत है,
तो वहां पर तो जगह इनकी नहीं बन रही है। विदेशी खिलाड़ी के रूप में इनके पास शेमरॉन हेटमायर है, अगर हेटमायर फ्लॉप हुए देन जेसन रॉय है वहां पर बैठे हुए, रॉय फ्लॉप हुए देन वहां पर भाई ऑलराउंडर्स भी हैं तो उनको भी तरजीहत मिलेगी, देन कहीं जाके एलेक्स कैरी की तरफ देखा जाएगा। तो भाई बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए हैं पर वो बैठ के चले गए, कैरी के साथ भी ऐसा होने वाला है। दिल्ली की टीम में तो इनको जगह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छठवें प्लेयर जिन्हें प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया जाएगा, बड़े महंगे ये भी, वो है जॉस हेजलवुड। जॉस हेजलवुड को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान था चेन्नई सुपर किंग्स का, क्योंकि जॉस हेजलवुड टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, सिंगल बिड में चेन्नई की टीम में बिक गए, लेकिन 2 करोड़ का ये खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा। सबसे पहली चीज तो भाई सैम कुर्रन के बारे में हमने इसी वीडियो में बताया आपको कि उनकी ही जगह बनना मुश्किल है, तो फिर कहां से जॉस हेजलवुड की जगह बन जाएगी। ये तो भाई चौथा पांचवा विकल्प बनकर आए, चौथे पांचवें बैकअप बनकर आए चेन्नई की टीम के लिए, तो ये बैकअप का काम करेंगे। और अगर आप इतना बड़ा ऑप्शन है, नंबर 4 का ऑप्शन है, देन आपकी जगह बनना नामुमकिन की ही तरह है। दोस्तों सातवें खिलाड़ी जो कि करोड़ों में बिके हैं पर इन्हें भी जगह नहीं मिलेगी, वो है डेल स्टेन। डेल स्टेन को आरसीबी की टीम ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है, लेकिन आज की कंडीशन में आरसीबी की तो भाई पूरे फॉरेन प्लेयर्स कंफर्म्ड कर लिए गए हैं। आरसीबी के पास एबिड विलियर्स है, एरन फिंच जो कि प्लेइंग 11 में खेलेंगे, क्रिस मॉरिस आ गए हैं, जितने महंगे मॉरिस बिके हैं उन्हें तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। उसके अलावा इनके पास मोइन अली है जो कि पिछले साल बड़ा चले थे। तो अब इन 4 के अलावा विकल्प के रूप में केन रिचर्डसन आ जाते हैं, और अगर केन रिचर्डसन फ्लॉप होते हैं देन डेल स्टेन की तरफ देखा जाएगा, क्योंकि पिछले साल आरसीबी ने डेल स्टेन को खिलाया था प्लेइंग 11 में, पर 2-4 मैच खेलने के बाद डेल स्टेन जो है चोटिल हो गए थे। तो डेल स्टेन को कभी भी प्राइमरी विकल्प नहीं रखने वाली आरसीबी, ये तो पहले से ही पता था। इसीलिए स्टार्टिंग राउंड में तो डेल स्टेन अनसोल्ड हो गए थे इस साल की नीलामी में, फिर कहीं अंत में जाकर आरसीबी ने बेस प्राइस पर इन्हें खरीदा। तो इसीलिए डेल स्टेन 2 करोड़ में बिके जरूर है, लेकिन एक जमाना था ना जब डेल स्टेन का ऑरा चलता था आईपीएल में, वो खत्म हो चुका है और आरसीबी की तरफ से ये मोस्टली कुर्सियां ही सेकने वाले हैं। आठवें खिलाड़ी जो कि करोड़ों में बिके हैं पर इन्हें भी तरजीहत नहीं मिलेगी, वो है मिचेल मार्श। मिचेल मार्श को 2 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने खरीदा है। भाई सबसे बड़ी चीज तो हमने पहले ही कह दिया था कि हैदराबाद की टीम को तो विदेशी खिलाड़ियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के पास तो विकल्पों की भरमार है। इनके 4 विदेशी खिलाड़ी जॉनी बेस्टो है, इनके पास डेविड वार्नर है, केन विलियमसन है और राशिद खान है। अगर राशिद खान या कोई भी फ्लॉप होता है तो ये मोहम्मद नबी की तरफ देखेंगे, अगर मोहम्मद नबी भी फ्लॉप हो जाते हैं देन ये मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ियों की तरफ देखेंगे, देन ये फैबियन एलन को भी लिया है उसकी तरफ भी देखेंगे। भाई मिचेल मार्श को लिया जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज विदेशी खिलाड़ी के रूप में भी जगह नहीं बन रही है, और तेज गेंदबाज तो पहले से इनके पास भरमार है। भारतीय तेज गेंदबाज हैदराबाद से अच्छे किसी के पास है ही नहीं, आप नाम देख रहे होंगे, भारतीय विकल्प इनके पास सबसे ज्यादा है, तो वहां पर भी इनका चांस जो है ना वो नहीं आएगा। तो इसीलिए मिचेल मार्श को 2 करोड़ रुपए में खरीदा है हैदराबाद ने, लेकिन इनके चांसेस तो एक मैच खेलने के भी नहीं है, जिस तरह की टीम है हैदराबाद प्लेइंग 11 में ये नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों 9वें खिलाड़ी जो कि करोड़ों में बिके हैं नहीं खेल पाएंगे, वो है एंड्रू टाय। एंड्रू टाय को 1 करोड़ रुपए में खरीदा है राजस्थान रॉयल्स की टीम में। एक जमाना था जब ये राजस्थान रॉयल्स टीम की प्राइमरी प्लेइंग 11 में खेलते थे, पर अब स्थिति पूरी बदल चुकी है। राजस्थान के 4 विदेशी खिलाड़ी कन्फर्म्ड है जो कि प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं, नीलामी से पहले ये कन्फर्म थे, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक, स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर। अब इनमें से कोई फ्लॉप होता है देन देखा जाएगा एंड्रू टाय की तरफ। दूसरे विकल्प भी भाई राजस्थान रॉयल्स के पास बहुत सारे हैं, जैसे कि टॉम कुर्रन भी एक विकल्प निकल कर आए हैं, साथ ही भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों को ज्यादा तरजीहत दी जा रही है। तो ऑन एंड ऑन एंड्रू टाय को स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में जगह मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि अगर कोई फ्लॉप होता है देन एंड्रू टाय के ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार आ सकता है, पर ये 1 करोड़ रुपए के विकल्प बहुत सही डील रही राजस्थान रॉयल्स के लिए। और 10वें और आखिरी खिलाड़ी ये भी राजस्थान में ही बिके हैं, लेकिन ये भी ज्यादातर कुर्सियां ही सेकेंगे, वो है टॉम कुर्रन। भाई टॉम कुर्रन को 1 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स की टीम में खरीदा है। मैंने पहले ही बताया राजस्थान रॉयल्स के 4 विदेशी खिलाड़ी कन्फर्म्ड है। अब उनके अलावा भी जैसे हमने बताया एंड्रू टाय भी एक विकल्प आ गए जो इसी लिस्ट का हिस्सा है, उनकी ही जगह नहीं बन रही है, तो फिर टॉम कुर्रन तो तीसरा विकल्प है भाई, तीसरा बैकअप है, उनकी जगह कैसे इस टीम में बन सकती है। राजस्थान रॉयल्स को विदेशी प्लेयर्स में नीलामी से पहले ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और विदेशी खिलाड़ी अगर ये नहीं भी खरीदते तो चल जाता, भारतीय खिलाड़ियों की दिक्कत थी इनके साथ, तो इसीलिए ये भी मोस्टली ज्यादातर मैचेस में कुर्सियां ही सेकेंगे, हो सकता है 2-3 मैचेस खेल जाए। तो भाई ये थे वो 10 खिलाड़ी जिन्हें खरीदा जरूर है करोड़ों रुपयों देकर इनके आईपीएल टीम ने, लेकिन इनको स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है,
इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी लगभग 6 खिलाड़ी तो कुर्सियां ही सेकेंगे। 4 खिलाड़ियों को इक्के तुक्के मैचेस में मौका मिलने वाला है। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्या इन्हें खिलाना नहीं था तो टीमों ने इतना पैसा दिया, क्या ये सही था गलत था, या फिर बैकअप के लिए इतना पैसा देना सही है? YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपने आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।